यह पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया गया, क्योंकि इस पूर्व केंद्रीय विनोद मंत्री विनोद शर्मा की बात करें तो अंबाला की राजनीति और हरियाणा की राजनीति के बड़े दिग्गज नाम जाने जाते हैं। और ऐसे में अंबाला की अगर बात करें तो उनका गृह क्षेत्र है, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया, अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी रणनीति को बदलने के लिए तब्दील करना पड़ा उन्हें। और ऐसे में ये चुनाव जिस तरह से तब्दील हुआ, ये चुनाव ना केवल अंबाला का चुनाव बनकर रह गया बल्कि ये पूरे प्रदेश की चर्चा का विषय बना। नगर निगम तीन थे, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, लेकिन चर्चा जिसकी रही, जिस चुनाव की रही, वो रहा अंबाला का चुनाव। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की ओर से कई हैवीवेट नाम उतारे गए प्रचार में, स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी दी गई, स्टार प्रचारकों की ओर से रोड शोज किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर आज सिलेंडर जो है वो भारी पड़ा। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये उत्सुकता है ट्रैक्टर्स के माध्यम से यहाँ पर जो है किसानों को, क्योंकि पार्टी की ओर से जिस तरह से किसानों को जो जिस तरह से समर्थन दिया गया था पार्टी की ओर से किसानों के आंदोलन को, किसानों की ओर से भी आज यहाँ पर ट्रैक्टर लाए गए हैं, वो भी जो है यहाँ पर इस जश्न में जो है वो शामिल हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो जीत है ये पूरे अंबाला की जीत है। आप देख सकते हैं कार्तिकेय शर्मा अपनी माता का हाथ पकड़कर जो है यहाँ पर गाड़ी पर मौजूद हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो हाथ है ये काफी मजबूत हाथ है, ये हाथ है उस शक्तिशाली औरत का जिसको अंबाला की जनता ने ताकत दी है, ये हाथ है उस शक्तिशाली औरत का जिसने जनता की, आवाम की आवाज को उठाने का काम किया है, ये हाथ है उस शक्तिशाली औरत का जो कि ना केवल अपनी समाज सेवा के लिए जानी जाती है बल्कि अंबाला का घर घर उसे अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन मानता है। ऐसे में शक्ति रानी शर्मा को जो शक्ति मिली है, जो ताकत मिली है, अब उस ताकत का इस्तेमाल कर अंबाला की जिस व्यवस्था परिवर्तन की, जिस चीज का तब्दीली की बात करने की बात आ रही है, वो तब्दीली देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ जो है गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ से लोग जो हैं इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। रास्ते बंद हैं, रास्तों पर जाम है, क्योंकि आज शक्ति रानी शक्ति के साथ, उस ताकत के साथ, आज अपने उस स्वरूप के साथ जिसके लिए शक्ति जानी जाती है, आज अंबाला की सड़कों पर अभिवादन, धन्यवाद करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां बेहद ज्यादा हैं, और साथ ही साथ दिमाग पर उन जिम्मेदारियों का बोझ जरूर है कि अंबाला के घर घर में जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करना है, उन छोटे बच्चों को पार्क दिलाने हैं जो कि शक्ति रानी शर्मा का हाथ पकड़कर ये कहा करते थे, कार्तिकेय शर्मा का हाथ पकड़कर ये कहा करते थे कि हमारे इलाके में एक पार्क दिलवा दीजिए, हमारे इलाके में पार्क नहीं है, हमारे स्कूल अपग्रेड कराने के लिए आवाज उठाइए, हमारे घर के लिए पक्की छत दिलवाइए। ये तमाम व्यवस्थाएं, तमाम जिम्मेदारियां अब इन शक्तिशाली कंधों पर, यानी के शक्ति रानी शर्मा के कंधों पर आ चुकी हैं, और अब उन जिम्मेदारियों के साथ जो है शक्ति रानी शर्मा आगे बढ़ती हुई मेयर के तौर पर अंबाला की जो जनता है उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है वो लगातार कार्यरत रहेंगी। ऐसे में ढोल की थाप पर लगातार जो है वो जश्न बनाया जा रहा है, लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दूरी पर मानव चौक है, मानव चौक ये काफिला पहुंचेगा, मानव चौक से ये काफिला अग्रसेन चौक जाएगा, अग्रसेन चौक से ये काफिला कपड़ा बाजार जाएगा। व्यापारियों का समर्थन रहा, महिलाओं का समर्थन रहा, बुजुर्गों का समर्थन रहा, किसानों का समर्थन रहा, तमाम तबके जो कि अंबाला को रिप्रेजेंट करते हैं उनका समर्थन जो है वो शक्ति रानी शर्मा को, हरियाणा जनचेतना पार्टी बी को मिला। और इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी बी का ये विशाल जनसमूह, ये विशाल जनसमर्थन खुद ब खुद दर्शाता है कि अंबाला की जनता ने मन बना लिया था तब्दीली का, मन बना लिया था बदलाव का, और अब बदलाव जो है वो हो चुका है।